मैच है प्रदेश टीम से जी, इलाहाबाद की जी, आरिफ भाई बिरयानी वाले जी, बहुत अच्छा लड़ाते हैं जी। लास्ट ईयर हाँ लास्ट ईयर हम लोग इलाहाबाद गए थे जब जी, तो आरिफ भाई से हमारा गेम तय हो के हवा नहीं होने के कारण नहीं हो पाया था, तो आरिफ भाई हम लोग से खेलने के लिए कोलकाता आए मोहब्बत में। अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ क्या कह रहे हैं अजान भाई, आज बहुत बढ़िया गेम होगा। क्रिस भाई गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आज मेरे क्रिस भाई का गेम मैं दिखाऊंगा, आज आपको बाहर से गेम है। सब फाइन है दोस्त, आप कैसे हो, ठीक हो ना? तो बढ़िया तो दोस्तों एकदम। देखिए भाई आगे पहले से किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और आज पौनी की गेम है दोस्तों। और ये हमारे फिर वसीम भाई, वसीम भाई कैसे आप? वसीम भाई बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से लड़ाइएगा। और बस फ्रेंड का गेम है क्या, दोस्ती वाली गेम होगी आज, तो चलते हैं दोस्त पेज की ओर, दिखाएंगे अभी। बस अभी सब अपने अपने पतंग को रेडी कर रहे हैं, फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। आए हम लोग रोहित भाई से गेम लड़ाने के लिए कलकत्ता, प्रयागराज इलाहाबाद से आए हुए हैं जी, यंग राजपूत काइट क्लब। अच्छा, हमारा आज रोहित भाई से गेम है, तो वही हम लोग यहाँ के नियम पूछ रहे थे कि किस नियम से हम लोग गेम लड़ेगा। जी जी, तो बातें हो गई है। 5:30 बजे तक मैक्सिमम यहाँ पे पतंग लड़ेगी जी, और जो पेज के बारे में थी बातें हो गई। चलिए ओके, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू, थैंक यू फॉर कमिंग कोलकाता। सोहेल भैया कैसे आप? जी फर्स्ट क्लास भाई, गुड आफ्टरनून, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कोलकाता आने के लिए। और आपको अपनी टीम से मिलवाते हैं। जी जी, चलते हैं आज मिलते हैं भाई लोगों से, और पेज भी दिखाएंगे। अरे दोस्तों देखिए भैया लेके जा रहे हैं अभी मिलाने के। आरिफ भाई हैं, आरिफ भाई गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बढ़िया, कैसा लग रहा है कोलकाता में आने के बाद? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा हवा मिल जाए। जी हवा तो आ गई थोड़ी सी। जी जी, और शौक भी काफ़ी बढ़िया होगा इंशाल्लाह। जी चलते हैं फिर भाई, दूसरे भाई से मैं मिलूंगा। ये हमारे आदिल भाई हैं। आदिल भाई गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे भाई, ठीक है ना आप? कोई तरह की कोई दिक्कत हुई कोलकाता आने में? नहीं, अच्छा लग रहा है ना, मैदान कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू भैया, जो दिक्कत इसको हटवा दीजिए थोड़ा, इसको हटवाने के लिए तो मुझको चलिए अच्छी बात है, देख लेते हैं, तार नहीं हटेगा। तनुज भाई हमारे, तनुज भाई कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। तनुज भाई बेस्ट ऑफ लक, आपको भी बढ़िया से लड़ाइएगा, पेस दिखाएंगे आप लोग। कोलकाता के बारे में भाई, बहुत अच्छी सिटी है, आके बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे जी, और पहला गेम लड़ने जा रहा है, बहुत थोड़ी धीमी है भाई, तार हट जाएगा तो बहुत। और एक तो आपसे बात करनी है, आप कितने दिन तक हो कोलकाता में? हम लोग हैं अभी 3 दिन है यहाँ। 3 दिन है ना, तो कल की गेम फिर किससे लड़ेगी आपकी? कल का गेम आप सोहेल भाई बताएंगे। ठीक है, सोहेल भाई गेम जो है हमारा राजन भाई से। राजन भाई से, चलिए वो भी बहुत बढ़िया गेम होगा। और भाई से मिलेंगे? आजम भाई हैं। आजम भाई कैसे हैं आप? भाई सब ठीक है, भाई से हाथ मिला लेते हैं, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई कुछ बताइए कैसा लगा आपको इधर आने से? चलिए अभी पेज बाकी है, पेज दिखाएंगे भाई का हमारा, ठीक है? ज़रूर। तो अभी तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया आपसे मिलकर। जी बोलिए, सब्सक्राइब करिए भाई हमारे विकी भाई के चैनल को। थैंक यू। और कैसा लगता है हमारा वीडियो देखने के बाद? आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग देखते रहते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। और आज तो मिलकर आप लोग से काफी अच्छा लगा, आप लोग आए। विकी भाई के लिए एक चीज और कहना चाहेंगे, ये पतंग को इतना ज्यादा पसंद करते हैं जी, इन्होंने अपने बाजू पे इसका टैटू भी बनवाया। जी जी जी, मैं टैटू बनवा रखा हूँ, देख सकते हो दोस्तों बनी हुई है टैटू। और बस प्यार है आप लोगों का, और आप लोग आए, मुझे खबर हो गया था बहुत दिन आगे से, और मैं सुबह सुबह आपके लिए आया हूँ सिर्फ कि चलिए आया बाहर से टीम, तो उसको तो भाई। जी भाई, सारे पतंग प्रेमियों से अपील है कि विक्की भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको आगे बढ़ने का मौका दें। जी थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का नाम क्या है? काइट प्रेमी चैनल का। काइट प्रेमी, आज सबसे गुजारिश है काइट प्रेमी विक्की भाई का जो चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली शेयर करते रहे। जी थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। अभी पहला पतंग अपना छोड़ दिया मांझा से, और पेज की तरफ चलेंगे, बस थोड़ा देर बाद ही स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों पेज। पहला पतंग बेन भाई हमारे ऊपर से लड़ाएंगे, इलाहाबाद की तरफ से हमारे भाई नीचे से लड़ाएंगे, तो चलते हैं दोस्तों पेज। ऊपर वाले पेज से देख रहे हैं हमारे बेन भाई के द्वारा, और नीचे से इलाहाबाद पतंग लड़ाते हुए, काफ़ी पार पतंग लड़ रही दोस्ती, थोड़ी सी धुंधला आ जा रही है पिक्चर। और ये देखिए किस तरह से पतंग को बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से खींचते हुए पतंग को, और बहुत बेहतरीन काट दिया इलाहाबाद की ओर से पतंग, एक पेज काट दिया भाई हमारे अभी तुरंत, जस्ट आपने देखा काफ़ी बढ़िया पेज, पहला पेज हुआ अभी। एक पेज से आगे चलते हुए इलाहाबाद की टीम काफ़ी बेहतरीन लड़ाया, पहला पेज हुआ दोस्तों, अभी तो गेम बाकी है दोस्त, और बहुत बेहतरीन हवा आ गई है आज, और आशा करते कि पेज भी काफ़ी बेहतरीन होगा दोस्त। रोहन भाई हमारे लड़ाएंगे ऊपर से, और इलाहाबाद की तरफ से हमारे भाई लड़ाएंगे, चलते पेज को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों ऊपर वाले पतंग हमारे रोहन भाई के द्वारा कोलकाता से, और नीचे से हमारे भाई लड़ा रहे इलाहाबाद से।
उनका नाम मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, सही कैसा रहोगे आवाज़ आप सुन ली है। और ये देख सकते हैं हमारे रोहन भाई बहुत ही अंदर की तरफ इशारा कर रहे पतंग को रखे, ऊपर की तरफ पतंग, नीचे की तरफ डुबाया भाई हमारे। थोड़ी सी जो धूप ज़्यादा होने के कारण दोस्तों पिक्चर क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा धूप है और मानो एकदम धूप ऐसा जगह पे है कि पतंग सही से नहीं दिखा पा रहे, पूरा एकदम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ही आ जा रही है। जब थोड़ी सी शाम होगी तो और भी बेहतरीन मैं दिखाने का चेष्टा करूँगा। स्टार्टिंग में दोस्तों थोड़ा देख लीजिए जैसा हो रहा है, मैं उठा रहा हूँ, पेज को देखते रहिए, पेज दिखा रहा हूँ रोहन भाई के द्वारा, पेज काफ़ी तेज़ी से खींचते हुए बहुत बढ़िया गाड़ी दिया उन्होंने पेज को, बहुत अच्छा पेज भाई के द्वारा, पेज काफ़ी बढ़िया था दोस्तों, देख सकते हैं जूम करके दिखा रहा हूँ। पेज देखेंगे बहन भाई का द्वारा, ऊपर से लड़ाएंगे हमारे बहन भाई और अपोनेंट से हमारे भाई लड़ाते हुए देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हैं बाहर की तरफ इशारा किया बहन भाई के द्वारा, काफ़ी बेहतरीन पेज हो रहा दोनों के बीच, बाहर की तरफ कितनी तेज़ी से खींचते हुए देखिए पतंग को बाहर की तरफ डुबाया बेन भाई बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ में, और ये बेन भाई ने काट दिया दोस्तों कहाँ, देखिए पतंग ले गया बेन भाई, भाई बहुत तागत जड़ दिया बेन भाई हमारे, बहुत बेहतरीन पेज था बेन भाई के द्वारा दोस्तों, देख सकते अभी काटे है भाई, देख सकते कहाँ से कहाँ खींच कर काट दिया भाई। बेन भाई नीचे से लड़ाएंगे और अपोनेंट से देखिए हमारे भाई, नाम भाई नहीं बता सक रहा हूँ, कुछ माइंड मत करना मेरा भाई, बाद में मैं ज़रूर बता दूंगा किसका क्या नाम है, स्टार्टिंग में ऐसे मैंने आपको बता दिया ना। देख सकते नीचे वाले पतंग है हमारे बेन भाई के, ऊपर से इलाहाबाद की तरफ से हमारे कोई भाई लड़ा रहे होंगे, पेज देखने में आपको मज़ा लगेगा, पेज देखिए दोस्तों, पेज सीखिए काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। नीचे से बेन भाई के द्वारा, इसके आगे बेन भाई ने बहुत बढ़िया पेज काटा था, ऊपर से स्ट्रेट गद्दा जड़ दिया था और पेज उनको मिल गया। तो दोस्तों चलते देखते हैं नीचे वाली पेज कैसी रहेगी हमारे भाई की, अंदर आने के लिए बोला जा रहा दोस्तों, नीचे की तरफ पतंग को डुबाया बहुत, सही कैसा लगा दोस्तों पेज को देखते रहिए गौर से, बाहर की तरफ इशारा बहुत तेजी से खींचते हुए हमारे बेन भाई पतंग को चमकाया दोस्तों, और नीचे की तरफ बहुत लाजवाब पेज को काट दिया दोस्तों, देख सकते हैं, देख सकते हैं भाई के द्वारा पेज था काफ़ी बेहतरीन पेज, दूर पे जो देख रहे हैं फॉलो पे उन्हीं के द्वारा पेज था, देख सकते हैं सारे टीम के मेंबर एकदम खड़े हैं इस जगह पे और बहुत बढ़िया गेम हो रहा दोनों के बीच में। अब ऊपर से मेरे ख्याल से हमारे शमशेर भाई लड़ाएंगे और नीचे से भाई देखिए अपनी जगह को बनाते हुए जा रहे हैं, बेहतरीन पेज हो रही है दोस्तों द्वारा पेज होंगे दोस्तों, ऊपर से लड़ाएंगे अभी हमारे भाई रेडी हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, अब हम दिखाएंगे अब पेज उन भाई का, शमशेर भाई का ऊपर से लड़ाएंगे भाई हमारे, ठीक है सर हो गया, देख सकते हैं ऊपर वाली पतंग हमारे शमशेर भाई की है और नीचे से इलाहाबाद की तरफ से भाई लड़ाते हुए, कोई नाम मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ मगर पेज को दोस्तों दिखाने का चेष्टा पूरा कर रहा हूँ आपको। इसके आगे बहुत बढ़िया पेज काटा भाई, देख सकते हो नीचे की तरफ डुबाया शमशेर भाई, फिर से बना लिया ऊपर की तरफ पतंग, बहुत लाजवाब कला चला रहे दोनों, पेज की रेंज है मिनिमम 1000 के आसपास, पौनी लड़ रही है पेज, नीचे की तरफ डुबाया देखिए चला के पतंग को रखा, ये तेज़ी से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ उतारा और काट दिया भाई, बहुत बढ़िया पेज काट दिया शमशेर भाई ने, और ये देख सकते हैं अभी उनको मैं फ्रेम में ले लिया और जो कट गए भाई हमारे उस तरफ पे, दोनों को फ्रेम पे ले लिया हूँ मैंने। आएंगे भी हमारे शमशेर भाई और अपोनेंट रेडी हो रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं वो देख रहे हैं रेडी हो रहे, और ये वाली पतंग मिनिमम 300 गज के अंदर लड़ेगी, 200-300 गज के अंदर है ये वाली पतंग जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, एकदम क्लोज आ जा रही है बट थोड़ी सी वेदर ख़राब होने के कारण पिक्चर सही से नहीं आ रही दोस्तों, फिर भी चाह रहा हूँ आपको अच्छे से दिखाऊँ, और ये देख सकते सही कैसा हो गया दोस्त, पतंग काफ़ी बढ़िया जगह शमशेर भाई पतंग को बना रहे, बाहर की तरफ इशारा किया बहुत तेज़ी से
और ये बहुत तेजी से खींच कर काट दिया भाई। देख सकते हैं कितनी तेज खींच कर काटा शमशेर भाई, देखिए पावर प्लेयर है दोस्तों। रोहन भाई जा रहे हैं कुछ बात करने के लिए शमशेर से, काफ़ी बढ़िया इंसान है हमारे रोहन भाई, काफ़ी अच्छे पतंग भी लड़ाते हैं दोस्तों, अभी तक एक पतंग लड़ा है भाई हमारे। हमारे बीन भाई देखिए दोनों आपस में कुछ बातें करते हुए, बेहतरीन दृश्य है दोस्तों, सकते भाई के द्वारा पिच रहेगी ऊपर से और नीचे से लड़ाएंगे हमारे शमशेर भाई, बैक टू बैक दो पतंग काटे हैं दोस्तों, चलते हैं पिच। तो दोस्त देख सकते हैं नीचे वाली पतंग हमारे शमशेर भाई की है और ऊपर से अपोनेंट हमारे इलाहाबाद की तरफ से कोई भाई लड़ा रहे हैं और सही का इशारा हो गया दोस्तों। पिच को देखिए बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वीडियो करके, और ये बहुत तेज़ी से बहुत बढ़िया खींच कर काट दिया दोस्तों, देख सकते हैं। और ये हमारे शमशेर भाई की पतंग कट गई, बहुत बढ़िया ट्राई किए थे भाई। देख सकते हैं हमारे क्रिश भाई जाएंगे पतंग लड़ाने ऊपर से और अपोनेंट से हमारे भाई, इसके आगे बहुत बढ़िया पेज काटा था भाई हमारे, और चलते हैं दोस्तों फिर पेज की ओर। देख सकते हैं ऊपर वाली पतंग हमारे क्रिश भाई के नीचे से अपोनेंट हमारे भाई लड़ा रहे इलाहाबाद की तरफ से, और ये सही का इशारा हो गया दोस्तों, बहुत ही अंदर की तरफ दोनों बहुत बढ़िया पेज लड़ा रहे भाई, दोनों प्लेयर काफ़ी बढ़िया है। कोलकाता की तरफ से हमारे क्रिश भाई और इलाहाबाद से हमारे भाई लड़ा रहे, पेज को देखते रहिए, पतंग को बहुत बढ़िया जगह पे रखा है, फिर से नीचे की तरफ इशारा किया पतंग को, बाहर की तरफ मोड़ते हुए पतंग, और ये बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ रुक दिया। और ये देखिए क्रिश भाई ने बहुत लाजवाब खींचा था, बट हमारे क्रिश भाई की पतंग कट गई दोस्तों। हम दिखाएंगे हमारे वसीम भाई की पेच, ऊपर से लड़ाएंगे पेच को, फिर से देखिए सही कैसा रहा, ऊपर वाली पतंग हमारे वसीम भाई की सही कैसा रहा। वसीम भाई देखिए किस तरह से पतंग को रखा है, दूर वाली पतंग को आपको फॉलो रखना है, ये सामने वाली नहीं, दो पतंग सामने लड़ रही है दोस्त, देखिए किस तरह से चला के लेके गया बाहर की तरफ, ये बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से खींचते हुए पतंग को भाई, और बहुत लाजवाब पेच काट दिया दोस्तों। और ये हमारे वसीम भाई भी कट गए, बहुत बढ़िया मुंडा चेंज किए थे और भाई के द्वारा ये पेज था काफ़ी लाजवाब पेज। रोहन भाई हमारे रेडी हो गए, ऊपर से पतंग लड़ाएंगे अभी, इनका भी पेज दिखाऊंगा दोस्तों अभी। पेज को गौर से देखिए, ऊपर वाली पतंग हमारे रोहन भाई की है, अपन उनके तरफ से लड़ाते हुए इलाहाबाद से हमारे भाई अंदर की तरफ रुक लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया पतंग चला रहे दोनों भाई, सही का इशारा हो गया दोस्तों, पेज को देखते रहिए, एक पतंग फ्रेम से बाहर चले जा रही है दोस्त, नीचे की तरफ दबाया, सामने में एक गाछ चले जा रही है दोस्तों, इसलिए सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, देखने की चेष्टा करते रहिए, जरूर दिखाऊंगा पेज। बाहर की तरफ रुक किया हमारे रोहन भाई, ये बहुत तेज़ी से दोनों को खींचा है, और ये रोहन भाई ने बहुत लाजवाब पेच काट दिया दोस्तों, बहुत बढ़िया पेच, और ये हमारे रोहन भाई के द्वारा पेच थी दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन पेच खींच कर काट दिए भाई। ये लकड़ी देखने वाला भी बहुत जनाए हुए हैं दोस्तों, पेच देखने में काफ़ी मज़ा लग रहा है। तो है बेन भाई हमारे जा रहे पतंग लड़ाने के लिए नीचे से, तो इनका भी पेच दिखाऊँगा, सकते हैं हमारे रतन भाई एंट्री कर रहे हैं और उनका भी पेच दिखाएँगे, देखिए इशारा कर रहे हैं भाई हमारे, वेलकम ब्रदर, इसको दिखा रहा हूँ नीचे वाली पतंग रोहन भाई की, हमारी पतंग को किस तरह से बना रहे, सही कैसा हो गया, और बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ में खींच कर काट दिया भाई, बहुत बढ़िया ऊपर से पेच लड़ाया भाई हमारे, इसके आगे हमारे रोहन भाई ने बहुत अच्छा काटा था, अब हमारे रोहन भाई लड़ाएंगे ऊपर से, बहुत बढ़िया काटे थे इसलिए फिर से हमारे रोहन भाई गए लड़ाने, चलते दोस्तों। तो दिखा रहा हूँ ऊपर वाली पतंग हमारे रोहन भाई की है और दिखता हूँ क्या होता है, पेज को गौर से देखते रहिए दोस्त, बहुत बढ़िया होने वाले, सही का इशारा हो गया अपोनेंट की तरफ से, रोहन भाई भी सही बता दिए बोल दिए हैं दोस्तों, और जो भी देख रहे हो वो भी देख लीजिए सही से, पेज तो काफ़ी बेहतरीन हो रही है, ऊपर की तरफ इशारा किया रोहन भाई, चक्कर के सहारे रखे हैं, सर हो गया, देखते रहिए पेज को, ऊपर वाली पतंग हमारे रोहन भाई की है और दोबारा से मिलाना पड़ा था, ये देखिए किस तरह से पतंग को जाके रखा है जगह पर, भाई बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से काट दिया रोहन भाई ने, बहुत लाजवाब पेच था दोस्तों रोहन भाई के द्वारा, और बहुत बढ़िया भाई, देख सकते हैं रोहन भाई इतनी बेहतरीन पेच काटा दोस्तों। ये दोस्तों हमारे रतन भाई नीचे से लड़ाने के लिए, तो पेच को दोस्तों गौर से देखिएगा, रेडी हो गए भाई हमारे, नीचे वाली पतंग हमारे रतन भाई की, ऊपर से इलाहाबाद की तरफ से कोई भाई लड़ा रहे, और ये सही कैसा रह गया, और पेच को दोस्तों देखते रहिए, जगह पर बनाया
ये देखिए बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से मोड़ कर काट दिया रतन ने, बहुत लाजवाब पेच काट दिया रतन भाई, वेल डन रतन भाई। आते ही एक पतंग काट दिया दोस्तों, कीप इट अप दोस्त। ये देख सकते भाई सारे टीम के मेंबर है कोलकाता के, बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और अपोनेंट देख सकते इस जगह पे है इलाहाबाद की तरफ से, काफ़ी बढ़िया बात करके लगा, बहुत अच्छी टीम है दोस्तों, सपोर्ट करते हैं हम भी उनको, और ख़ास करके हमारे बिन भाई, रोहित भैया और वासिम भाई है, शमशीर भाई और आपके रतन भाई मेरे, बहुत अच्छे लगाते हैं। मतलब बहुत सारी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, गेम भी आपको देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा भाई। फर्स्ट टाइम ले रहे हैं हमारे इस चैनल पे, काइट प्रेमी पे बाहर की जो टीम आई हुई इलाहाबाद के, तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्या फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस उतना नहीं है। अगर आप लोग का प्यार मिलते रहेगा दोस्तों तो एक्सपीरियंस ही हो जाएगा और पेज दिखाना भी सुविधा होगा। तो दोस्तों लगे रहिए चैनल पे, एकदम देखते रहिए अंत तक। पेज दिखा रहा हूँ, दूसरी नंबर पेज है रतन भाई की पतंग को चमका के बनाया, और ये देखिए चमका के ऊपर की तरफ पतंग को बहुत आसानी से पेज को फिर से काट दिया अपोनेंट ने, काफ़ी बेहतरीन पेज काटा दोस्तों। मैंने देखा हमारे रतन भाई की पेज काफ़ी बेहतरीन एक पेज काट लेते, उसके बाद उनकी पतंग कट गई, कोई बात नहीं पेज में तो होते ही रहता है दोस्तों। तो चलेंगे फिर से भाई दूसरी नंबर पेज की ओर, भाई ये पेज दिखाएंगे, चलते हैं दोस्तों पेज की ओर। गौर से देखिए ऊपर वाले पतंग हमारे रोहन भाई के द्वारा ला रहे, किस तरह से पतंग को देखिए बना के बैठाया जगह पे भाई, दोनों प्लेयर काफ़ी बढ़िया चेहरे की तरफ पतंग को रख के फंसा लिया, और भाई क्या काटा है रोहन भाई ने, देख सकते हमारे रोहन भाई की कमाल है, जो बहुत बेहतरीन पेज काटे ऊपर से। ये हमारे रतन भाई रेडी कर रहे, गुजा भाई देखिए आ गए हमारे मैदान में, और क्रिस को साथ जा रहे, अब क्रिस भाई हमारे लड़ाएंगे नीचे से दोस्तों। तो पेज को गौर से जरूर देखिए, नीचे वाली पतंग हमारे क्रिस भाई की है, और पेज को देखिए भाई दिखा रहा हूँ मैं, इसके बाद वाले जो पेज मैं दिखाऊंगा जब थोड़ी सी बाहर की तरफ इशारा किया, और क्रिस भाई के द्वारा बहुत तेज़ी से खींचते हुए पतंग को भाई, और हमारे क्रिस भाई की पतंग कट गई दोस्तों। तो देखेंगे नीचे वाली पतंग हमारे वसीम भाई की है, इसके आगे अपोनेंट ने काफ़ी बढ़िया पेज काटा था ऊपर से, क्रिस भाई को काट दिया था, तो कोई बात नहीं पेज तो होती रहती है काट। और ये देखिए किस तरह से मोड़ा बहुत तेज़ी से जगह पे, फिर से अंदर की तरफ रुक दिया, ये देखिए लगते ही हमारे वसीम भाई की पतंग कट गई दोस्तों। शमशेर भाई गए नीचे से लड़ाने के लिए, और पेज को दोस्तों दिखाएंगे अभी और से देखिए नीचे वाली पतंग है हमारे शमशेर भाई की पतंग को बना रहे कितनी बेहतरीन तरह से। अब ये पेज के बाद मैं दोनों प्लेयर की नाम बताऊंगा दोस्तों, चेष्टा ही रहेगी बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से मोड़ा, और ये हमारे भाई ने बहुत बढ़िया खींचे काट दिया दोस्तों। पेज था दोस्तों बहुत बढ़िया पेज काटा, वाइट कलर के जो है, और बहुत लाजवाब पेज वाली पेज हमारे आरिफ भाई के द्वारा था ये वाली पेज, फिर से पेज दिखाएंगे आरिफ भाई का, चलते हो पेज पर अगली पतंग हमारे आरिफ भाई के इलाहाबाद की तरफ से, नीचे से रतन भाई हमारे, मैंने आपको बताया था नाम बताने की चेष्टा जरूर करूँगा थोड़ी सी, इसमें क्या रहेगी आपको समझने में सुविधा रहेगा। और ये सही कैसा हो गया देखिए, चक्कर के सारे बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से मोड़ के काट दिया भाई, बहुत लाजवाब पेच हमारे आरिफ भाई के द्वारा, काफ़ी लाजवाब पेच खींच कर काटा हमारे आरिफ भाई ने। दिखा रहा हूँ आरिफ भाई का पेच, ऊपर से लड़ाएंगे और नीचे से हमारे क्रिस भाई, देख सकते हैं और सही कैसा हो गया। आरिफ भाई पतंग को फिर से बनाया, और ये रेडी करके देखिए नीचे की तरफ, और ये भाई दोनों की पतंग एक साथ चले गई दोस्तों। भाई के द्वारा पेज रहेगी ऊपर से, चलता हूँ पेज दिखाने दोस्तों, पेज को बैठाया नीचे से हमारे रोहन भाई लड़ा रहे पतंग, किस तरह से देखिए पतंग को चला के बाहर की तरफ मोड़ा था पतंग, जगह देखिए बनाया पतंग को, ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गद्दा मार के काट दिया दोस्तों, बहुत लाजवाब पेज था भाई के, देख सकते आरिफ भाई बहुत बढ़िया पेज लड़ा रहे, कैसा लड़ा रहे आरिफ भाई, एक नंबर खिलाड़ी है भाई आरिफ भाई हमारे, बहुत अच्छे लड़ा रहे भाई, बहुत अच्छे पतंग। पेज को देखिए नीचे वाली पतंग वसीम भाई के, ऊपर से हमारे आरिफ भाई, पेज को देखते रहिए, और ये पतंग टूट गई भाई की, बोलिए आरिफ भाई क्या हुआ ये वाला, इसे कहते नसीब भाई देखे सही करा के टूट गया। चलिए अच्छी बात है, आज हमारे आरिफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद ही पतंग लड़ा रहे, बहुत बढ़िया पेज खेल रहे दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपको पेज देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा, दोनों की तरफ से काफ़ी बढ़िया पेज हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं पेज देखने के लिए, जब बाहर वाले आते हैं तो सब कोई आते हैं पेज देखने के लिए, आप लोग भी आइए, तीन दिन हैं भाई लोग, पेज अगर देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों दोनों से दोनों जगह पर।
बहुत बढ़िया आरिफ भाई लड़ा रहे पतंग। देखिए फिर से आरिफ भाई का द्वारा ऊपर से अटैक रहेगी और नीचे से हमारे रतन भाई है, देखते हो पेज क्या होता है। दोस्तों आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी पावर कितनी है, कितनी पावर लगा रहे। देखिए फिर से काट दिया दोस्तों, बहुत लाजवाब पेज लड़ा रहे दोस्त हमारे आरिफ भाई के द्वारा। पेज था दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त की टीम लड़ रही कि नहीं जी भाई। हमारे ऑल इंडिया में मैच है 29 तारीख को लखनऊ में, तो आपको बेस्ट ऑफ लक मेरा भाई, और बढ़िया से लड़ाइएगा। बहुत अच्छे शौक हो रहे आपका आज क्या? हाँ हवा भी है, हवा मीठी हवा आई हुई है, लेकिन यहीं पर पतंग लड़ भी रहा, टूट टूट जा रही है लखनऊ। तो चलते दोस्तों आरिफ भाई के पेज फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए बाहर की तरफ से किस तरह से मोड़ा है पतंग को, बहुत तेज़ी से खींच रहे दोस्तों, और ये हमारे आरिफ भाई की पतंग कट गई दोस्तों। भाई के द्वारा पेज था दोस्तों, बहुत बढ़िया पेज काटा नीचे से, देख सकते हैं। आदिल भाई जाएंगे पतंग लड़ाने भी ऊपर से, चलते हैं दोस्तों पेज की ओर। तो हमारे क्रिस भाई लड़ाएंगे नीचे से, देख सकते हैं, और चलते हैं दोस्तों पेज की ओर फिर से पेज को। दोस्तों आदिल भाई ऊपर से, नीचे से हमारे क्रिस भाई पतंग को बना रहे कितनी अच्छे से बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से मोड़ते हुए, और ये हमारे क्रिस भाई ने बहुत लाजवाब पेज काट दी। आजम भाई आ रहे हैं पतंग ऊपर से लड़ाने के लिए, नीचे से हमारे क्रिस भाई है, चलते हैं दोस्तों पेज की ओर। ऊपर वाली पतंग जैसे देख सकते हैं हमारे आजम भाई की है, और नीचे से क्रिस भाई लड़ा रहे हैं। तो पेज को दोस्तों गौर से देखते रहिए, पेज को चाहूँगा सारा हो गया दोस्त, अंदर की तरफ रुख लेकर रखा है पतंग, बहुत अच्छे चला रहे दोनों पतंग, देख सकते हैं पतंग एकदम क्लोज लेके आया, बहुत तेज़ी से खींचते हुए क्रिश ने काट दिया पतंग को, बहुत बढ़िया खींच कर काटा है क्रिश के द्वारा। बैक टू बैक दो पतंग क्रिश भाई ने काटा, बहुत बढ़िया पेज काट रहे हैं, दो पतंग काट चुके ऑलरेडी। हमारा पेज दिखाएंगे ऊपर से और नीचे से लड़ाएंगे हमारे क्रिश भाई, चलते हैं दोस्तों पेज की ओर। तो सही कर इशारा, बाहर खींच कर बहुत बेहतरीन क्रिश भाई के द्वारा पेज थे दोस्तों, बहुत बढ़िया पेज काट रहे हैं क्रिश। हमारे आरिफ भाई जाएंगे फिर से पतंग लड़ाने के लिए, रेडी हो गए, काफ़ी बेहतरीन पेज लड़ा रहे ऊपर से दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अभी फिर से पेज दिखाएंगे आरिफ भाई की हम। कैसा रहोगे ऊपर वाली पतंग हमारे आरिफ भाई की है और नीचे से हमारे क्रिश भाई, सही कैसा रहोगे दोस्तों। पेज को गौर से देखते रहिए, आरिफ भाई की पेज अगर आपको देखना है तो अच्छा से देखिए, पेज बहुत चीज़ सीखने मिलेगा, और साथ में क्रिश भाई तो है ही हमारे, अंदर की तरफ क्या बढ़िया इशारा करते हो, और क्रिश ने बहुत बढ़िया और बराबर हो गया दोस्तों, दोनों की पतंग चले गई, बहुत बढ़िया पेज था भाई, और ये पेज बराबर हो गया दोस्तों, देख सकते हैं देख सकते हैं चेहरे पे स्माइल है दोनों की तरफ में, यही सब रहता है, और बहुत अच्छा मैच हो रहा दोस्तों, बहुत अच्छा। फिर से हम दिखाएंगे हमारे आरिफ भाई के पेज ऊपर से, अभी तो इसके आगे पेज बराबर हो गया था दोस्त, और जैसे वासिम भाई हो गया, आरिफ भाई देखिए पतंग को किस तरह से धीरे धीरे लेकर जाते हो, पतंग को चमकाया अंदर की तरफ बहुत तेज़ी से भाई, बहुत लाजवाब पेज काट दिया दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारे आरिफ भाई ने काफ़ी बढ़िया बाहर दिखा के अंदर की तरफ रुख देकर काट दिया भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे से इलाहाबाद लड़ाते हैं, ऊपर से हमारे रोहन भाई के द्वारा पेच रहेगा दोस्तों। पेच को गौर से देखते रहिए, बहुत बढ़िया जगह पे पतंग को लेकर रखा है, बाहर की तरफ इशारा चमकाया पतंग को, और ये रोहन भाई के द्वारा बहुत तेज़ी से पतंग, बहुत बढ़िया मुंडा चिंचिया भाई, पतंग को उठा लिया रोहन भाई ने, बहुत अच्छी जगह पर पतंग को ऊपर बनाया था, अपोनेंट भी काफ़ी बेहतरीन पेच लड़ा रहा दोस्त। देखिए रोहन भाई एकदम आ गए हाथ की तरफ, अंदर की तरफ इशारा किया, बाहर की तरफ मुड़ाया पतंग को, फिर से देखिए जगह पे लेकर आ गए भाई, अंदर बाहर करके इशारा कर रहे हैं काफ़ी बेहतरीन, देखिए जगह पे लेकर रखा है, और ये इसी मुंडा चलेंगे चक्कर के सहारे भाई, जगह एकदम नहीं दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन पेच लड़ा रहे हैं दोस्त। और रोहन भाई भी ऊपर से अटैक कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं कि अटैक नहीं कर रहे, अटैक कर रहे हैं, फिर से अंदर की तरफ पतंग को चलाकर नीचे डुबाया रोहन भाई, देख सकते हैं आप करीब लेके गए बाहर की तरफ इशारा किया, और ये रोहन भाई के द्वारा बहुत तेज़ी से गद्दा जड़ दिया भाई, बहुत लाजवाब गद्दा मार के रोहन भाई ने काट दिया। अब हमारे भाई क्रिश भाई रेडी हो गए नीचे से लड़ाने के लिए और जा रहे, इसके आगे उनकी पतंग टूट गई थी दोस्तों, बहुत बढ़िया पेज लड़ा रहे थे। आरिफ भाई गए हमारे ऊपर से लड़ाने के लिए, नीचे से हमारे क्रिश भाई, चलते हैं दोस्तों पेज की ओर। तो दोस्तों पेज को देखिए, ऊपर वाली पतंग हमारे आरिफ भाई की है, और सही कैसा रहा हो गया, नीचे की तरफ डुबाया आरिफ भाई, देख सकते हैं पतंग को दोनों बहुत तेज़ी से खींचते हुए, क्रिश भाई बहुत बढ़िया आसानी से खींच कर काट दिया नीचे की तरफ रुख दिखाकर, देखिए
सोहेल भाई के द्वारा पेच ऊपर से, नीचे से हमारे क्रिस भाई है। तो पेच को दोस्तों गौर से देखिए, चक्कर के सहारे रखा है पतंग को सोहेल भाई, बाहर की तरफ इशारा करते हुए पतंग को देखिए फिर चमकाया और डाल दिया जगह पे पतंग। और ये भाई रखते हमारे सोहेल भाई की पतंग कट गई दोस्तों। से देख रहे भाई हमारे रेडी हो रहे, ऊपर से पतंग लड़ाएंगे हमारे भाई। तो चलेंगे दोस्तों पेच की ओर, नीचे से क्रिस भाई पेच लड़ाएंगे। रेडी हो गए हैं दोनों प्लेयर, अब चलेंगे पेच की। इसको देखते रहिए भाई, पतंग को बहुत बढ़िया चमका रहे इलाहाबाद की तरफ से जो भी भाई हमारे लड़ा रहे। देखिए नीचे की तरफ डुबाया, बैक टू बैक हमारे क्रिस भाई ने दो पतंग काट चुके हैं, इससे तीसरी नंबर पेच रहेगी उनको। और ये सही का इशारा हो गया पतंग को, देखिए रेडी करके बाहर की तरफ इशारा करते हुए जगह अच्छी बना रहे। अंदर की तरफ रुक दे के रखा है चक्कर के सहारे, बाहर की तरफ ये दिखाया पतंग। और बड़ी तेज़ी से देखिए, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ खींच के ले गया है पतंग। और ये भाई अभी भी फैसला नहीं हुआ है, डोर मेरे ख्याल से नहीं आई है या आ गई पता नहीं चल रहा, लग रहा बट फिर से लड़ानी पड़ेगी दोस्तों। खींचा था बहुत लाजवाब, सही का इशारा हो गया। काफ़ी पेच हो रही है दोस्तों आज, नीचे से हमारे क्रिस भाई दोबारा से मिलाना पड़ा था पेच को। फिर से देखिए मोड़ा है पतंग को दोनों पतंगबाज, और ये देखिए बाहर की तरफ रुक देकर रखा है बहुत तेज़ी से। और ये चक्कर देकर बहुत लाजवाब पेच को, और ये दोनों भाई की चले गई पेच तो मिल जाएगा भाई के द्वारा पेच था दोस्तों। पेच भाई को मिल गया, हाथ से छूट के चले गया हमारे क्रिस भाई की डोर। पेच को देखते रहिए नीचे वाले पतंग हमारे, और ये चमका के अंदर की तरफ इशारा करके बहुत जबरदस्त पेच काट दिया हमारे रतन भाई ने। देख सकते भाई पूरे टीम के मेंबर हैं, और भीड़ तो मैदान में खचाखच भर गया दोस्तों। देख सकते सब देखने वाले आए हुए हैं, सब मौज करते हुए। कैसे आप पहले बताइए? बहुत बढ़िया भाई, कैसा शौक हो रहा है पहले बताइए आप? एकदम बहुत बढ़िया, मौसम भी है, शौक भी बहुत आ रहा है, मजा आ रहा है। और इलाहाबाद का टीम आए हुए हैं जी, सोहेल भाई का टीम है जी, मेरा फ्रेंड है वो जी, बहुत अच्छा आदमी है। और आप देखिए पूरा घचाघच भरा हुआ, दिखा तो रहा हूँ काफी लोग आए। इसका मतलब आप समझ लीजिए गया क्या चाहने वाले कितने कोलकाता, पतंग को चाहने वाले कितना है। सही बात, मजेदार पेच देखने के लिए, चटकदार पेच। सही बात, सही बात। और ये क्रिस फैंसी भी आया हुआ है जी, दिखा तो रहा हूँ क्रिस भाई को। इसके आगे तो क्रिस भाई के हाथ से पतंग टूट गई थी दोस्तों, तो हम ही थे संग में, आप तो बचाए पकड़ते पतंग को। चलिए कोई बात नहीं, और भी बहुत अच्छा पेच। क्रिस भाई ने कितने पतंग काटा था भाई इसके आगे आपने? इसके आगे टोटल वो 7 पतंग काट दिया। चलो अच्छी बात है, 7 पतंग काटी, अभी टूटी गई है जी, देखा तो मैं टूट गया, पेच मिल गया उनको। तो दोस्तों चल जी, से पेच को देखिए नीचे वाली पतंग हमारे रतन भाई की है, जो इसके आगे बहुत बड़ी अंदर दिखा कर काटे थे भैया। और ये सही का इशारा हो गया, जो भाई हमारे देख रहे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, नीचे करके उतार के लाने के लिए बताया जा रहा है। और ये सही का इशारा हो गया दोस्तों, पेच को गौर से देखिए, पतंग को चमकाया बना के पतंग को रखा है, ये देखिए चमकाया रतन भाई ने, और ये काट दिया भाई, इतनी बेहतरीन पेच फैंसी काट दिया दोस्त। बहुत तेज़ी से भाई, ये वाली पेज बराबर हो गया दोस्त, भाई रतन भाई के द्वारा पेज था दोस्तों बराबर हो गया। कलेक्शन देखिए भाई, खाली हमारे दिल खुश हो जाएगा। बेन भाई कलेक्शन तो आपका बहुत लाजवाब है, कुछ बोलेंगे? हाँ भाई, ये हम एक दिन रस्ते से जा रहे थे जी, एक लोग मिले हमें, एक बड़ा सा अटैची दिया, ये सारी पतंगे निकली, तो अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। रोहित भाई आप कुछ बोलेंगे? दिखा रहे, रुक गया, रोहित भाई से बात करेंगे। रोहित भाई आप कुछ बोलेंगे? जो बोला बोला बिन भाई, भाई जो बोल रहा वही है, वही है। चलो, और भाई देखिए बहुत सारे कलेक्शन है भाई का, बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है दोस्त, हम आपको दिखा रहे, देखते रहिए। रेड रंग के भी काफ़ी लाजवाब पतंग है, जो पेज दिखाने वाला है क्रिस भाई के, नीचे से पतंग बहुत बढ़िया लड़ा रहे आज दोस्तों। जैसे देख सकते हैं लोग अभी नीचे जा रहे हैं, कुछ बेन भाई है और भी बहुत सारे लोग हैं भाई, उनके सब फ्रेंड की पतंग की पेच बहुत बढ़िया पतंग हो रहा, नीचे से हमारे क्रिस भाई और ऊपर से हमारे आरिफ भाई पतंग लड़ा रहे दोस्त इलाहाबाद से। बहुत बढ़िया पेच हो रही है दोस्तों, दोनों के बीच काफ़ी अच्छा टक्कर हो रहा है, दोनों ही अच्छे प्लेयर है दोस्त। नीचे डुबाया, फिर बहुत पार रखा है भाई, हम तो बताएंगे क्रिस भाई अपने पतंग को काफ़ी पार रखा है, देखिए अंदर की तरफ रुक देकर रखा है, ऊपर से आरिफ भाई एकदम जगह, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं मारेंगे। देखिए किस तरह से डुबाया पतंग को, फिर से बाहर की तरफ मोड़ा है पतंग को, जगह पे रखा, ये तेज़ी से भाई खींच कर काट दिया भाई, बहुत अच्छे लड़ा रहे क्रिस भाई, भाई बहुत ज़बरदस्त। देखिए गुजा भाई, अरे हमारे क्रिस भाई, जियो क्रिस भाई, जियो जियो।
दोबारा फिर से पिच दिखाएंगे, नीचे से लड़ाएंगे मेरा भाई। सारा बहुत नज़दीक में पिच लड़ते हुए दोस्तों, अभी देखते हैं क्या होगा। बहुत ही पास आ गया है पिच और देखने में तो काफ़ी मज़ा लगेगा। देखिए पतंग को किस तरह से चमका रहे भाई दोनों। ये देखिए डुबाया, ये नीचे भाई पेज तो मानना होगा क्रिश का, दिल खुश कर दिया भाई। बहुत बढ़िया पेज लास्ट मोमेंट में भाई, देखिए क्या बढ़िया पतंग काटा है दोस्तों। आज मेरे क्रिश भाई बहुत फॉर्म में लड़ा रहे दोस्त, बहुत अच्छा लड़ा रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से हमारे भाई लड़ाते रहेंगे। बहुत बढ़िया पेज। तो फिर से दोस्तों चलते हैं पेज वाली पतंग हमारे क्रिश भाई की है और ऊपर से इलाहाबाद लड़ाते हुए इसके आगे जो भाई कटे थे उन्हीं के द्वारा फिर से पेच है दोस्त। बहुत ज़्यादा पार रखा है क्रिश भाई की जो पतंग है ना, उनसे 200 मीटर या 100 मीटर के आसपास पार होगा, मिनिमम 100 मीटर पार है भाई क्रिश भाई की पतंग। नीचे करके पतंग को दिखाया, अंदर की तरफ रोक दे के रखा है, चक्कर के सहारे पतंग को देखिए किस तरह से चमकाते हैं, अपोनेंट को पूरा मौका देते कि आप मारिए। देख सकते हैं अपोनेंट पतंग को नहीं उतार रहे अभी तक और भाई वेट कर रहे कि कब इनकी पतंग ऊपर उठेगी, उसके बाद वो पतंग उतारेंगे। देखिए उतारा धीरे धीरे, जगह देखिए एकदम बना रहे, एकदम मांग रहे कि ऊपर में लेकर आए पतंग को और नीचे। फिर से देखिए डुबाया पतंग को जगह पे, बाहर की तरफ इशारा हल्का किया, फिर से अंदर की तरफ मुड़ा है दोस्तों। देख सकते बहुत चतुर प्लेयर है भाई, दोनों प्लेयर ही चतुर। बाहर की तरफ पतंग को रुक दिया और ये देखिए क्रिश ने काट दिया दोस्तों। देख सकते हैं आप किस तरह से पेच को काटा है भाई। भाई सेकंड में अपना मुंडा को बदल दिया क्रिश ने। ये है खासियत इस भाई की हमारी, जियो। बहुत बढ़िया पेच। तो देखिए ये 6 काट दिए, इसी पेच से 6 हुआ और 7 नंबर पेच। अगर 7 मार देते हैं दोस्तों तो दिल खुश हो जाएगा अभी पेच की ओर। दोस्तों बहुत बेहतरीन पेच होने वाला है, 7 नंबर पेच है भाई की मेरी। नीचे से लड़ाएंगे, अरे 7 रोक पाएंगे कि नहीं देख सकते हैं, चेष्टा में लगे हुए और रेडी हो रहे भाई हमारे। देख सकते हैं बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी बात। तो चलते दोस्तों पेच, अपना पोजिशंस ले लिया, 7 नंबर पेच है, एकदम दिल लगा कर देखना है ऊपर वाले पतंग इलाहाबाद की तरफ से। नीचे से हमारे क्रिश भाई और जैसे मानिए पेच काफ़ी बढ़िया जगह पे एकदम शॉर्ट करके पतंग लड़ाया जा रहा है। और से देखते रहिए, नीचे वाली पतंग हमारे क्रिश भाई की है और मेरी चेष्टा रहेगी आपको एकदम बढ़िया से दिखाने की। थोड़ी सी पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ भाई, 2x में रखा हूँ, इससे क्या हो कि दोनों पतंग आपको दिख जाएगी। सामने पेच हो रही है बहुत, अपोनेंट काफ़ी वेट कर रहे, इसके आगे भी बहुत वेट कर रहे थे। नीचे देखिए पतंग को डुबाया क्रिश भाई, बाहर दिखाया पतंग को चमका के, देख सकते हो अपोनेंट देखिए। और ये देखिए भाई 7 कर दिया दोस्तों, और ये देख सकते हैं 7 हो गया दोस्तों। ये देखिए हमारे गुजा भाई दौड़ के गए और ये अभी हम लोग जाएंगे मिलेंगे भाई से। इन्हें 7 जड़ दिया दोस्तों, देख सकते हैं। गुजा भाई कैसा लगा आपको 7 लगा तो? भाई इतना दिन जो गुड्डी मंजा बेच रहे जी, आज लग रहा कि बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि मेरा नेम से लेकर मंजा काटा वीर योद्धा सत्ता नहीं भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। मंजा देते रहिए, देखिए इलाहाबाद से खेला हो रहा था बाहर वाले से परदेसी से, आज क्रिश ने 7 जड़ दिया। चलो अच्छी बात है, आपको कैसा लगा पहले बताइए। 7 मारा गया, बढ़िया पेच काट दिया तो भाई बहुत अच्छा लगा। हम जाएंगे उस जगह पे, देख सकते हैं दोस्तों अभी रोहन भाई भी सामने में है। रोहन भाई कैसा पेच लगा पहले बताइए। और दोस्तों जैसे क्रिश भाई कौन सी वाली डोर से लड़ाए आप, 7 कर दिया आपने। ये देख सकते हैं ये वाली डोर से हमारे क्रिश भाई ने 7 लगा दिया दोस्तों, देख सकते हैं। और ये काफी यही डोर से जी बनारस में ये बंदा लोग जाग गया होता भाई, भाई आप आइए, ये भाई लोग भी आया था, ये जी सत्ता ये भी मारा जीता जी। बोलिए इसके बारे में कुछ। अच्छा मन जाए गुजा भाई का। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। और क्रिश भाई भी काफी बेहतरीन लड़ाया पेच, वेल डन क्रिश भाई। देखिए हाथ में भी उनकी लग गया है, वेल डन भाई, थोड़ा सा हाथ मिला दे मेरा भाई से, जबरदस्त मैच भाई के द्वारा। आएंगे हमारे शमशेर भाई के पेच, नीचे से लड़ाएंगे भाई हमारे। शमशेर भाई रेडी हो गए नीचे से पतंग लड़ाने के लिए, चलते हैं दोस्तों पेच की ओर। पेच दिखाते हैं, देखेंगे नीचे वाली पतंग हमारे शमशेर की है कोलकाता से लड़ाते हुए और ये सही का इशारा हो गया दोस्त। पेच को एकदम गौर से देखना है, नीचे की तरफ इशारा किया शमशेर भाई। इसके आगे हमारे क्रिश भाई ने बहुत बेहतरीन 7 जड़ दिया है दोस्त। और ये देखिए पतंग को नीचे उतारा बहुत अच्छी जगह पर, चक्कर के सहारे रखे हैं शमशेर भाई। देखिए फिर से बाहर की तरफ मोड़ा है, नीचे उतारा भाई हमारे। और ये देखिए बहुत तेज़ी से खींचते हुए हमारे शमशेर भाई की पतंग कट गई दोस्त, और ये अपोनेंट ने पतंग को उठा लिया। बहुत जानदार गद्दा जड़ दिया था भाई। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारे शमशेर भाई कट गए
और भाई के द्वारा भेजता, भाई बहुत बढ़िया खींचे थे भाई ने। आप देख सकते हैं क्या होगा अभी, फिर कौन सी घर लेंगे। बहुत लाजवाब शौक होते हुए पेज को देखेंगे, ऊपर वाली पतंग हमारे रोहन भाई की है। कोलकाता से लड़ाते हुए रोहन भाई हमारे, ऊपर वाले पेज नीचे से इलाहाबाद की तरफ से लड़ा रहे भाई। सही कैसा रहोगे, दोनों पतंग देखिए किस तरह से चक्कर में रखा है भाई, नीचे की तरफ फिर से डुबाया। बहुत लाजवाब पिच लड़ते हुए दोस्त, कमर की तरफ इशारा करते हुए रोहन भाई। हवा तो थोड़ी सी कम हो गई है दोस्त, पेज को देखते रहिए, काफ़ी बढ़िया पेज। बाहर की तरफ इशारा किया, डुबाया पतंग को नीचे की तरफ, भलका देखे देखिए ये भाई भाई ये फैंसी था दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब फिर से आएंगे हमारे क्रिस भाई, इसके आगे हमारे रोहन भाई के द्वारा इतनी लाजवाब पेज थी। अब क्रिस भाई रेडी हो गए, सत्ता मारे थे। ये देखिए रोहन भाई इसके साइड वाले हैं, जो बहुत लाजवाब पेज काट दिए दोस्त, भाई के द्वारा पेज था दोस्तों, कट गए। बहुत अच्छे अटैक था उनका। इसके आगे आपने रोहन भाई की पेज देखा था, काफ़ी बेहतरीन। अब हमारे क्रिस भाई सत्ता स्पेशल, इसके आगे सत्ता कर दिया था। फिर से देखिए भाई पतंग को चमका कर लेके रखा है, बाहर की तरफ मोरा क्रिस भाई ने पतंग को, चमका के पतंग को बहुत अच्छे रख रहे, बाहर की तरफ इशारा करके। ये देखिए और ये खींच कर काट दिया भाई, बहुत शानदार पेज था भाई के द्वारा, भाई पूरा फुल फैंसी था दोस्तों, देख सकते हैं। क्रिस भाई की फिर से दूसरी नंबर पेज दिखाएंगे, इसके आगे सत्ता किए थे, आपको मैंने बार बार रिपेयर कर रहा हूँ, रिप्लाई दे रहा हूँ, तो ये ना माने, बहुत बढ़िया पतंग लड़ाते हैं। चलते दोस्तों, ये नीचे वाली पतंग हमारे क्रिस भाई की है, पतंग को कितनी अच्छी जगह पे लेके रखा है, बाहर की तरफ सारा किया, और ये देखिए खींच कर काट दिया भाई, स्पेशल पेज खेल रहे हैं। आपको बता रहे ना, पेज एकदम सजा के लड़ा रहे भाई हमारे, बहुत बेहतरीन। अभी बातचीत करते हुए गुजा भाई के साथ, और बहुत बढ़िया पेज आज हमारे क्रिस भाई के द्वारा, दो पतंग काट दिए बैक टू बैक। तो क्रिस भाई की तीसरी नंबर पेज रहेगी, और चलेंगे पेज की ओर। हमारे क्रिस भाई जाएंगे फिर से लड़ाने, तीसरी नंबर इनकी पेज रहेगी नीचे से, और ऊपर से हमारे आरिफ भाई लड़ाएंगे। बहुत अच्छे पतंग लड़ा रहे दोस्तों आज हमारे आरिफ भाई। तो दोस्तों देख सकते हवा नहीं है, इस कारण अभी बताया जा रहा है, थोड़ी सी हवा आने दीजिए, उसके बाद ही पतंग लड़ेगी दोस्त। तो इसलिए पतंग को थोड़ा सी अभी रोका गया है पेज को, और आशा करते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद अगर हवा आ जाता तो फिर हम लोग आपको पेज जरूर दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, दिखाएंगे पेज हमारे क्रिस भाई की, नीचे से लड़ा रहे, उनकी चार नंबर पेज है दोस्तों, देख सकते पतंग को कितनी बेहतरीन जगह पे लेकर रखा है। हवा आ गया है, ये बाहर की तरफ मोड़ा भाई हमारे, ये देखिए चमका के भाई, क्या पेच था दोस्तों, मानिए भाई एकदम जबरदस्त पेच भाई के द्वारा। सक है खुश हो गए ये पेच देखने के बाद, बहुत लाजवाब समय पे पतंग को मोड़ दिया दोस्तों। काफ़ी बढ़िया लग रहा दोस्तों देखने में, इतनी अच्छी लग रही है, आपको क्या बोले, माइंड ब्लोइंग। सकते भी बहन भाई हमारे आ रहे हैं और कुछ बातचीत करेंगे, सामने में हमारे ये हमारे विक्की भाई है, कलकत्ता से, इनका यूट्यूब चैनल है जी, नहीं ना हाँ? ये देख सकते हैं काफी बेहतरीन लग रहा है दोस्तों। नहीं रतन, देख सकते गुड न्यूज है, हवा आ चुकी है, और हो सकता है कि कुछ पतंगे लड़ जाए तो पेज दिखाएंगे दुर्गा पे भी सारे कोई, और पतंग ऑलरेडी दो पतंग आसमान में दे दी ऑलरेडी हमारे कोलकाता की तरफ से दोस्तों, देख सकते हैं दो पतंग है, और अपोनेंट इलाहाबाद की तरफ से भी दोस्तों पतंग दे रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आप पेज दिखाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चले गई थी जिस कारण पेज थोड़ी सी रुक गई थी, पतंग लड़ेगी आज। तो चलते हैं दोस्तों पेज दिखाएंगे, ऊपर से भाई हमारे लड़ाएंगे, देख सकते हैं, देखिए रेडी हो गए लड़ाने के लिए। नीचे से हमारे क्रिस भाई के द्वारा पेज होगा दोस्तों, देखते रहिए, लास्ट पतंग को चाहेंगे आपको दिखाने का। बहुत बढ़िया शौक हुआ आज यार, काफ़ी बढ़िया भी लगा,
और आशा करते हैं कि आपको लेकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। कल और एक अच्छा वीडियो लेने वाले हैं आपको बी गार्डन की टूर्नामेंट की वीडियो, तो उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अभी तक के लिए बाय बाय टाटा। इसको देखिए, नीचे वाली पतंग हमारे क्रिश भाई की है और ऊपर से हमारे भाई लड़ा रहे हैं, देख सकते हैं। पेच रेडी हो चुका है, ऊपर वाली पतंग इलाहाबाद की तरफ से भाई हमारे लड़ाते हुए, नीचे से हमारे क्रिश भाई। चार पतंग ऑलरेडी काट चुके हैं वो, हवा आने के बाद ये लास्ट पतंग लड़ेगी आज की, और ये सही का इशारा हो गया दोनों की तरफ से। दोस्तों देखते हैं क्या होता है, किस तरह से। देखिए दोनों पतंग बेहतरीन लड़ा रहे, बाहर की तरफ इशारा किया, नीचे की तरफ डुबाया भाई हमारे, देख सकते हैं। और क्रिश के द्वारा नीचे पतंग को बहुत तेज़ से उतार के काट दिया भाई, बहुत लाजवाब पेच काट दिया क्रिश ने फिर से। और ये देख सकते हैं हमारे क्रिश भाई इधर है, और लाजवाब पेच। ये दोस्तों पेच बंद हो गया और बाय बाय लोगों के। देखिए भीड़ कितनी है, बहुत अच्छा लगता है भाई जब कोई बाहर से आते पतंग लड़ाने के लिए। उनको हम लोग रिस्पेक्ट करते कि आप लोग आइए और पतंग लड़ाइए कोलकाता में, काफ़ी मज़ा आएगा। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।